दिव्य तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। बाली पुत्र अंगद इस असीम आकाश और विशाल समुद्र को साक्षी मानकर और स्वयं उपवास रखकर मरण व्रत आरंभ करता हूँ। यदि श्री राम के कार्य में मैं भी अपना हाथ बटा सकता। आप यहाँ के मार्ग से तो अवगत होंगे। मैं अपने भाई को तिलांजलि देकर अपने कर्तव्य का निर्वाहन करना चाहता हूँ। प्रिय भ्राता जटायु मेरी तिलांजलि स्वीकार करो। भ्राता आप सभी ने मुझ पर महान कृपा की है। एक तो आपने मेरे भाई की सूचना दी और दूसरा मुझ जैसे अशक्त को यहाँ तक लाकर तर्पण करने में मेरी सहायता की। ये तो हमारा कर्तव्य था गिद्धराज। भ्राता जटायु को तिलांजलि देकर मेरे मन को बहुत शांति मिली है। तुम सबका उपकार मैं कदापि नहीं भूलूंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं गिद्धराज? किंतु आपकी ये स्थिति। मेरे पंख जल गए हैं। इसकी भी एक कथा है, बताता हूं मैं, लेकिन पहले मुझे यहां से ले चलो। अनुज क्रिया करी सागर तीरा। अनुज क्रिया करी सागर तीरा कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। बहुत समय पहले की बात है, जटायु और मैं उस समय तरुण अवस्था में थे और उस अवस्था में हम दोनों भाई उड़ते उड़ते सूर्य के पास चले गए थे। हम द्वौ बंधु प्रथम तरुणाई। हम द्वौ बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। गगन गए रवि निकट उड़ाई। भ्राता ये सूर्य का भयंकर तेज मुझसे सहन नहीं होता। मैं वापस लौट रहा हूँ भ्राता। तुम तो डर गए जटायु, तुम तो डर गए। देखो साहस इसे कहते हैं। मैं सूर्य की ओर जा रहा हूँ और उन्हें स्पर्श करके ही आऊंगा। मैं वापस लौट रहा हूँ। तेज न सही सक सो फिर आवा। तेज न सही सक सो फिर आवा। मैं अभिमानी रवि नियरावा। मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा।
जरे पंख अति तेज अपारा, परे हूँ भूमि करी घोर चिकारा। और तभी से मेरी ये दशा हुई है, अब बताओ मैं तुम सबकी क्या सहायता कर सकता हूँ। हमारा तो एक ही संकट है गिदराज, हमें किसी भी स्थिति में माता सीता का पता लगाना है। हमें अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है और अब तो हमारे पास समय भी शेष नहीं है। हाँ गिदराज, यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो हम अपने प्राण त्यागने से बच जाएंगे। प्राण का त्याग करना कायरता है। मैं कदापि ऐसा परामर्श तुम लोगों को नहीं दूंगा। वृद्ध होने के कारण मैं शरीर से तो तुम लोगों की कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, किंतु लंका के उस राक्षस का पता मैं अवश्य बता सकता हूं जिसने देवी जानकी का हरण किया है और मेरे भ्राता जटायु को मार डाला है। यदि आप हमें इतना बता दें तो हम अपने कार्य में सफल हो जाएंगे और आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। तो सुनो, पहले मैं अपने पुत्र पार्श्व के साथ रहता था। क्या हनुमान या अंगद से हमारी स्थिति छिपी हुई है? क्या वो ये नहीं जानते कि हम पल पल उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? एक दिन मेरा पुत्र मेरे लिए आंखें ढूंढने गया था, किंतु संध्या में वो खाली हाथ लौटा। भूख और क्रोध से व्याकुल मैंने उससे खाली हाथ लौटने का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसे रास्ते में एक विशाल शरीर वाला राक्षस मिल गया था जो एक सुंदर बाला को बलपूर्वक लिए जा रहा था। वो सुंदरी बार बार राम और लक्ष्मण का नाम ले रही थी। मेरे पुत्र ने उस राक्षस को रोकने का प्रयास किया, किंतु वो अपने प्रयास में असफल रहा। निश्चित ही ये वही राक्षस था जिसका पता लगाने के लिए तुम सब लोग निकले हो। सत्य कहा आपने, वो वही है राक्षसराज रावण। किंतु वो देवी जानकी को लेकर कहां गया? वो देवी जानकी को लेकर आकाश मार्ग से समुद्र के पार गया था। क्या आपके पुत्र ने रावण को समुद्र के ऊपर से जाते हुए देखा था गिदराज? मैं अभी भी स्पष्ट देख रहा हूं, गिद्धों की दृष्टि
सौ योजन दूर तक जाती है। मैं देख रहा हूं कि देवी जानकी लंका की एक वाटिका में बैठी हैं। जय श्री राम। तब तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। यदि आपको देवी सीता यहां से दिखाई पड़ रही हैं, तो हम तुरंत प्रस्थान करते हैं। किंतु तुम लोग देवी सीता के पास इतनी सहजता के साथ नहीं पहुंच सकते। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने तीनों लोकों को जीता है। उससे देवता भी भयभीत रहते हैं। उसने तो काल को भी परास्त किया है। चाहे जो हो तात, हम अपने प्राण देकर भी लंका जाएंगे और प्रभु श्री राम का कार्य पूरा करेंगे। आप हमें वहां जाने का कोई उपाय बताएं। वहां जाने का एक मार्ग आकाश है। आकाश में सबसे ऊंची और तीव्र गति गरुड़ की होती है। ये आकाश के सातवें स्तर पर गमन करते हैं। मेरा जन्म भी गरुड़ कुल में हुआ है, किंतु मैं असमर्थ हूं। यदि तुम में से कोई वानर समुद्र लांघ सकता है तो मैं समुद्र पार करने की ऐसी विधि बताता हूं जिसे स्वयं रावण भी नहीं जानता। शीघ्र बताइए तात। देखो, समुद्र की ओर देखो। समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर गिद्धकूट पर्वत है, जो समुद्र में डूबा हुआ है। यदि इस पर्वत से होकर जाओगे तो स्थान स्थान पर विश्राम करने की सुविधा है। यदि कोई वीर 100 योजन तक तैर सकता है तो इस पर्वत से बहुत सहायता मिलेगी। हम धन्य हुए गिद्धराज, आपने हमारा संकट दूर कर दिया। मेरी शुभकामनाएं तुम सबके साथ है। जय श्री राम। जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। क्या हनुमान या अंगद से हमारी स्थिति छिपी हुई है? क्या वो ये नहीं जानते कि हम पल पल उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं जानता था, पहले से ही जानता था कि उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा में देवी सीता का पता नहीं मिलेगा। मुझे दक्षिण की चिंता है, केवल दक्षिण की। इसलिए मैंने सारे महाबलियों को दक्षिण दिशा में भेजा है। परंतु अब तक उनकी कोई सूचना क्यों नहीं मिली? मेरे बार बार सावधान करने के बाद भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। महाराज, आप कहें तो हम दक्षिण दिशा में पता लगाएं। हाँ महाराज,
हम देवी सीता के साथ अंगद का भी पता लगाएंगे। वैसे भी उन्हें जो समय सीमा दी गई थी वो समाप्त हो चुकी है। यही तो आश्चर्य है आर्या, उन्हें तनिक भी समय सीमा का ध्यान होता तो हमें सूचना अवश्य करते। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं पड़ गए महाराज? दल के अन्य सदस्य चाहे जो करें, किंतु युवराज अंगद और पवन कुमार तो कदापि कोई भूल नहीं कर सकते। यही तो आशंका हो रही है। युवराज अंगद के दल में सबसे बड़े महाज्ञानी और अनुभवी ऋषिराज जामवंत के होते हुए कोई अपना कर्तव्य कैसे भूल सकता है? पुनः आप हमें प्रस्थान करने का आदेश दे महाराज। हो सकता है राक्षसों ने उन्हें बंदी बना लिया हो। ये भी हो सकता है कि वो अपने मार्ग से भटक गए हों। किंतु हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? कोई ऐसा स्थान भी तो नहीं है कि हम उसे उनका पता लगाने के लिए भेज सकें? उन्हें देवी सीता का क्या होगा वानर राज? हम प्रभु श्री राम को क्या उत्तर देंगे? क्या कहेंगे उनसे कि हम आपकी मित्रता का निर्वाह नहीं कर सकते? क्या बताएंगे उन्हें कि हम देवी सीता को नहीं ढूंढ सके? लज्जा, कितनी लज्जा की बात है कि सारे साधनों से संपन्न होते हुए भी हम असफल हो गए। हम इसे असफलता नहीं कह सकते, कदापि नहीं कह सकते। दक्षिण दिशा से कोई संदेशा ना मिलने का अर्थ ये कि अवश्य ही अंगद के दल को सीता की सूचना मिल गई है। और वैसे भी हनुमान के रहते असफलता का कोई कारण ही नहीं है। किंतु भैया, अभी तक उन्होंने कोई सूचना क्यों नहीं दी? क्या हनुमान या अंगद से हमारी स्थिति छिपी हुई है? क्या वो ये नहीं जानते कि हम पल पल उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? लक्ष्मण, वो हमारी स्थिति जानते हैं, इसीलिए विलंब कर रहे हैं। पूरी सूचना के साथ ही वो यहाँ आएंगे। ये कैसे हो सकता है भैया? मुझे तो लगता है कि उन्हें कोई सफलता मिली ही नहीं, इसीलिए लज्जावश वे हमारे सामने आना ही नहीं चाहते। तुम्हारी आशंका का कोई आधार नहीं है लक्ष्मण। कदाचित तुम हनुमान को अभी तक समझ ही नहीं सके। आवश्यकता से अधिक किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं होता भैया। वानर राज सुग्रीव पर विश्वास करके आपने उसका परिणाम देख लिया है। पहले उन्होंने वर्षा ऋतु का बहाना बनाया और वर्षा ऋतु के पश्चात सब कुछ भूल गए। यदि मैं उन्हें भयभीत नहीं करता तो वो अपने राजभवन में आमोद प्रमोद में ही लगे रहते। सुग्रीव और हनुमान एक जैसे नहीं हो सकते। हनुमान हमारे किसी भी कार्य को आस्था पूर्वक करते हैं और सुग्रीव मित्रता का निर्वाह करने के लिए। दोनों की स्थितियां भिन्न हैं। धैर्य रखो लक्ष्मण, उचित समय पर शुभ समाचार मिल जाएगा। हाँ भैया, अब हम प्रतीक्षा के सिवाय कर भी क्या सकते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं समुद्र पार करके लंका जाऊं? अब हमें तत्काल निर्णय करना चाहिए कि हम में से कौन समुद्र पार करके लंका जाएगा और माता सीता का समाचार लेकर आएगा। जब गिद्धराज संपाति ने सब कुछ स्पष्ट बता ही दिया है तो विलंब करने का कोई अर्थ नहीं है। आप सभी शीघ्र निर्णय लें कि हम में से कौन है जिसका साहस और पराक्रम हमारे प्राणों का रक्षा कवच बनेगा। कौन है वो वीर जिसके कारण हम किष्किंधा जाकर अपनी सफलता का शंखनाद करेंगे? कौन है वो महाबली जिसका संबल पाकर हम प्रभु श्री राम और तात सुग्रीव के कृपा पात्र बनेंगे?
कौन है वो? आश्चर्य है, सभी शांत हैं? क्या किसी में भी इतना साहस नहीं है कि समुद्र पार कर सके? क्या अपनी शक्ति के कारण संपूर्ण संसार में विख्यात वानरों की शक्ति समाप्त हो चुकी है? क्या किसी ने हमें निर्बलता का श्राप दे दिया है? सभी चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तुम सब मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं समुद्र पार करके लंका जाऊं? यदि तुम यही चाहते हो तो मैं वृद्ध होकर भी सागर पार करके लंका जाऊंगा। मेरा शरीर साथ दे या ना दे, किंतु मुझ में मनोबल की कोई कमी नहीं है। अभी भी मैं 90 योजन तक समुद्र को तैर कर पार कर सकता हूँ। हम आपको कोई भी कष्ट नहीं देना चाहते ऋचराज। हम तो अपनी योग्यता और क्षमता पर विचार कर रहे हैं। तो क्या हम ये मान लें कि हमारे दल में कोई योग्य और समर्थवान नहीं है जो समुद्र को पार कर सके? युवराज, 100 योजन लंबे समुद्र को पार करना कोई साधारण कार्य नहीं है। मुझे तो ये सोचकर ही भय लग रहा है। और मार्ग में भोजन की भी व्यवस्था नहीं, कहीं हम भूख से ही तड़प तड़प के ना मर जाए। सत्य कहा भ्राता, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बस कीजिए मातुल, बस कीजिए। आप जैसे कायरों की हमें कोई आवश्यकता नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान, अपने कार्य गति को आगे बढ़ाओ। हनुमान, जैसी आज्ञा प्रभु। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।